चाहते हो हमारे बीच में डॉक्टर संजय राय सर भी उपस्थित हैं, अतुल सिंह सर भी उपस्थित हैं, डॉक्टर शिवशक्ति सर डिवेरी सर उपस्थित हैं। मैं आपसे वो तभी होगा जब पूरी सतर्कता जो बरतनी है उतरेंगे। कोरोना वायरस के संबंध में मुझे आप लोगों से सिर्फ दो तीन बातें कहनी है। देखिए, पहली बात, व्यवसाय और अपनी दिनचर्या हम लोग बंद नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए, ना वो हम करेंगे। और हमारे माध्यम से जो इस शहर भर के लोग जो आप लोगों से जुड़े हैं, चाहे आप लोगों से सामान खरीदते हों, साग सब्जी खरीदते हों, तो उन लोगों की भी दिनचर्या अगर आप लोग नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगी। और वो हर दिन की हमारी ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है कि वो सब काम रुक जाएंगे और हम एक महीना इंतजार करेंगे कि कोरोना वायरस का जो ये संकट है ये निकल जाए, काले बादल से छट जाए, उसके बाद काम शुरू करेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि जो हम दिनचर्या अपनी जो हम निर्वहन करते थे और हम लापरवाह हो गए थे, उसको वापस थोड़ा अपने जो हमारे पुराने संस्कार थे उनकी तरफ लेके जाने की। वो संस्कार क्या थे कि हम लोग जब भी कुछ खाते थे, जब भी कुछ पकाते थे तो हाथ धो लिया करते थे। वही काम करना है। आप लोग अपनी दुकान लगा रहे हो या कुछ भी चीज़ बेच रहे हो, प्लास्टिक का सामान बेच रहे हो, लोहे का सामान बेच रहे हो, खाने का सामान बेच रहे हो, आप कोशिश करें कि कम से कम नहीं तो हर आधे घंटे पौन घंटे में एक हाथ जरूर धोलें। हाथ धोने के लिए आपको सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है, कोई बहुत सैनिटाइजर कोई बाहर के लोगों ने डिसइंफेक्टेंट वो ज़रूरी है, लेकिन आप साबुन जो है सिंपल मेडिकेट को अपनी डेटॉल जो आती है उससे भी अगर हाथ धो लेंगे एक छोटी डिगिया से, तो वो भी वही काम करेगी जो आपका सैनिटाइजर काम करेगा। और बल्कि आपके व्यवसाय में तो ज़रूरी है कि पानी और साबुन से हाथ धोएं, क्योंकि जब हाथ चिकना हो जाता है या गंदगी लग जाती है तो उसमें सैनिटाइजर भी बहुत अच्छा काम नहीं करता। सिर्फ हाथ धोएं, मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, जब तक आदमी 70 साल से ऊपर ना हो, बूढ़ा हो या बीमार हो पहले से, तो वो मास्क लगाए। बाकी मैं देखिए, मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ, मेरा ना मैं लगाता ना मेरे घर में भी लगाता, तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ठीक हैं, आपको कोई सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं है, तो मास्क लगाए बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं। नॉर्मली एहतियात करते दूरी बनाए रखें, 3-4 फुट 5 फुट दूरी ऐसी रहती है, ठेला आपका आगे रहता है, जो आपका कस्टमर है। आज की बैठक सभी पथ विक्रेताओं ने स्वयं से प्रेरित होकर करी, इसमें कोई शासकीय दबाव नहीं था उन पर, तो यही बताता है कि सभी पथ विक्रेता ऑलरेडी स्वच्छ भारत मिशन का जो पहले से भी पार्ट बने रहे हैं और इस मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग ही कर रहे हैं, तो उसी का एक्सटेंशन है कि कोरोना वायरस के प्रति भी न केवल वे सजग हैं बल्कि जो टूरिस्ट बाहर से आता है वाराणसी में उसको भी ये मैसेज देंगे और वाराणसी नागरिकों को भी मैसेज देंगे कि ना केवल वो स्वयं जो सतर्कताएं हैं, चाहे वो हाथ धोने को लेकर हो या दूरी बनाए रखने को लेकर हो या साफ़ सफाई अपने ठेले पर लेकर हो, इन सब सतर्कताओं को ना वो स्वयं वहन करेंगे बल्कि एक छोटी सी तख्ती लगाकर ये मैसेज जो है उन लोगों में भी जो उनके यहाँ कस्टमर है जो सामान लेने आ रहा है उनको भी मैसेज देंगे। तो बहुत अच्छी पहल है और वाराणसी की अनूठी पहल है एक तरह से, और इसका मैसेज मुझे लगता है पूरे देश भर में वाराणसी पथ विक्रेता देंगे। क्या आपको बचाने के लिए कोई व्यवस्था किया गया? हाँ, ये देखिए, ये प्रयास लगातार चल रहा है। पिछले 3 से 4 महीनों में हम करीब 63 वेंडिंग जोन्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। इसके अलावा वृहद परियोजनाएँ दो, चाहे वो 187 एक जगह पांडेपुर में जो हमारा मेंटल हॉस्पिटल है उसके पास विस्थापित करने की हो, या फिर इसके अलावा हम 200 और एक जगह विस्थापित करेंगे पथ विक्रेताओं, तो इस प्रकार से ये लगातार अनवरत प्रयास है, तो ये लगातार जारी है और हमारी उम्मीद है कि हम सारे जितने भी पथ विक्रेता हैं हमारे पॉसिबली और आगे भी जो बढ़ेंगे उनको हम सब प्रॉपर संयोजित तरीके से एक वाराणसी में हम बता सकते हैं। सर, कोरोना को लेकर साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की जाए, ऐसे में नगर निगम क्या कुछ नई व्यवस्थाएँ लगा रहा है, क्या कुछ कर रहा है? देखिए सर, साफ सफाई को लेकर हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा वाहन जो है इसमें और एक्स्ट्रा मैन पावर डिप्लॉय कर दी है। जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है उसको छिड़काव, जो बिजी जगह हैं, जो हमारे घनत्व वाले क्षेत्र हैं, उनमें कल से ही एक क्विक रिस्पांस टीम QRT बनाकर 100 लोगों की प्रत्येक जोन वार इसको हमने दे दिया है, जो हमारे 14 सब जोन हैं, तो ये हर वार्ड में जाकर 90 वार्ड्स में जाकर ये क्विक रिस्पांस टीम आपको हाइपोक्लोराइड और जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं उसका स्प्रे प्रॉपर ग्लव्स मास्क वगैरह पहनकर करेगी। ये हम लोगों ने एक स्पेशल अभियान स्टार्ट किया है। इसके अलावा हम लोगों ने मॉल वगैरह में भी चेकिंग के लिए कल परसों उनको प्रॉपर्ली ब्रीफ किया गया था,
तो हर दो दिन में शाम को हमारी एक ब्रीफिंग हुआ करेगी, जिसमें हमारे जो सैनिटरी सुपरवाइजर्स हैं उनको एक फॉर्मेट दिया गया है। हर दुकान पे, मॉल पे और सिनेमा घर में जहाँ पे बेसिक एक लोगों का अभी भी आवागमन है, वहाँ पर चेक कर देखेंगे कि वो सारे जो सतर्कता के हमारे जितने भी उनको बताया गया SOPs, वो SOP फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। तो 6 घंटे में फर्श की सफाई, 3 घंटे में वो सारे जहाँ भी कॉन्टैक्ट हो रहा है, चाहे दरवाज़ा वगैरह हो, उसकी सफाई। तो ये सब जो है हम लोग स्वयं से भी अपना जो कार्य है नगर निगम का वो कर रहे हैं, और उसके अलावा जो अपेक्षित है प्राइवेट संस्थानों से वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इसकी भी चेकिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं। सर, भय का जो वातावरण लोगों में है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑलरेडी हम लोग अपने 43 PA सिस्टम के माध्यम से, अपने डिस्प्ले बोर्ड्स के माध्यम से नगर निगम कल शाम से ही, ये ऑलरेडी परसों शाम से इनफैक्ट ये चल रहा है, जहाँ पर हम ये मैसेज दे रहे हैं कि डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ भी इसमें फ्लू में नया नहीं जो ऑल पहले जो होते हैं फ्लू उसमें हो। बस एक जो इसमें अलग बिंदु है वो है कि जल्दी फैलता है, तो हम लोग अगर इसमें सतर्कता बरतेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम लोगों को अपना किसी भी दिनचर्या में किसी प्रकार का भी परिवर्तन करना पड़े। और हम लोग अगले 15-20 दिन में सतर्कता अगर अच्छे से बरतेंगे तो ये जो जो प्रॉब्लम है, जो इशू है कोरोना। अभिषेक निगम, सचिव फेरी पट्टी ठेला व्यवसाय समिति। अभिषेक जी, किस तरह से आज हमारे बैठक में क्या निष्कर्ष निकला, किन बातों को लेकर? शहर भर के पथ विक्रेताओं के साथ कमिश्नरी सभागार में मुख्य वक्ता के रूप में नगर आयुक्त गौरांग राठी सर के नेतृत्व में ये बैठक आयोजित की गई है, जिसका मूल विषय ये था कि शहर भर में नहीं, देश भर में विदेश से जो कोरोना वायरस का जो वायरल शहर प्रतिदिन तेजी से फैल रहा है, हम ठेला पटरी वालों को कैसे स्वच्छ रहना है, स्वस्थ रहना और व्यवस्थित रहना है, इसके प्रति उन्होंने बैठक बुलाई और सभी रेहड़ी पटरी वालों को, ठेला पटरी वालों को जागरूक किया कि आप प्रतिदिन अगर कोई महंगे सामान का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो एक साबुन से हर 1 घंटे 2 घंटे पे अवेयर होकर खुद जिम्मेदारी स्वरूप अपने हाथों को साफ रखें, अपनी दुकान को और अपने स्थल को साफ सुथरा रखें। किस तरह के एक पंपलेट भी लगाने की बात कही गई है कि सभी लोग लगा ले तो और लोगों को भी इससे जागरूकता मिलेगी? चूंकि हम लोगों की गरीबी को देखते हुए, हम लोगों की जो व्यवस्था है, हम कोई महंगे व्यवस्थित रूप से कोई ऐसा अवेयर नहीं कर सकते लोगों को कि जिसके कारण कि हमारे पास पैसे भी बहुत कम होते, तो उन्होंने एक पत्ते के रूप में उन्होंने कहा कि सादे कागज पे, पत्तों पे वो लिख के शहर भर के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, जिससे कि एक मैसेज देने और संदेश देने की जरूरत, लोग खुद मेरे पास आए कि ये कहें कि रेहड़ी पटरी वाला इतना जागरूक हो गया और इस बीमारी से खुद अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वेच्छापूर्वक कर। आज एक खुशखबरी भी पटरी ठेला व्यवसायियों को दी गई, क्या है? शहर भर में बहुत सौभाग्य की बात है कि नगर आयुक्त सर ने जो दीनदयाल में जो DPR बना के शासन को भेजा था, वो शासन से संस्तुति हो गई है, जिसमें हमारे लगभग 350 वेंडर वहाँ स्थापित होंगे, जिससे एक अच्छा मॉडल मार्केट बन सकेगा और शहर में हम अपने आप को मेहनत कश आदमी अपने हुनर का प्रदर्शन